Let's do question number 11th of exercise 8A, that is circles. Question number 11th is in the given figure, ये जो figure दी हुई है, O is the center of two concentric circle. O center है दोनों concentric circle का. Of radii, जिसका radii है 4 सेंटीमीटर and 6 सेंटीमीटर respectively. मतलब छोटे वाले circle का area, मतलब O भी छोटे circle का radius है. तो ओ भी हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है और ओ ए क्या है बड़े सर्कल का रेडियस, तो हमें ओ ए 6 सेंटीमीटर दे रखी है. तो साइड बाय साइड हम यहाँ लिख लेते हैं, ओ भी हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर और ओ ए दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर. अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स ऑफ द आउटर एंड इनर सर्कल. पी ए आउटर सर्कल की टेंजेंट है और पी बी इनर सर्कल की टेंजेंट्स है रिस्पेक्टिवली. और अगर पी ए 10 सेंटीमीटर है तो हमें लेंथ निकालनी है पी बी की 1 decimal प्लेस तक. तो हमें पी ए पता चल गया 10 सेंटीमीटर है, तो हमें पी बी निकालनी है. तो कैसे निकालेंगे, देखिए हमें पता है ओ ए और ओ बी क्या है टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर है. प्रूफ कर रहे हैं, देखिए ओ ए परपेंडिकुलर है किस पे, पी ए पे, एंड ओ बी क्या है परपेंडिकुलर है पी बी पे. वाई, क्योंकि हमें पता है, बिकॉज रीज़न लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है सर्कल के सेंटर से सर्कल पर जब भी टेंजेंट पे टेंजेंट जहाँ टच करती है वहाँ पे अगर पॉइंट टच करते हैं तो वो पॉइंट क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है नहीं, बिकॉज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर टेंजेंट पड़ती है इस, वो क्या होती है परपेंडिकुलर. टू द रेडियस, रेडियस से परपेंडिकुलर होती है. हमें पता है टेंजेंट क्या होती है परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे, रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. हमें पता है टेंजेंट क्या होती है रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, राइट. तो हमें ये पता चल गया. अब आप देखेंगे दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, कौन कौन सा, ओ ए पी एंड ओ बी पी. तो हम इसमें से पी भी निकाल लेंगे. कैसे, सबसे पहले हमें पता है ओ ए गिवन है और पी ए गिवन है, तो सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे ओ ए पी. तो इन ट्राइंगल ओ ए पी जो कि राइट एंगल्ड है, राइट एंगल्ड एट ए, ए पे राइट एंगल है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे. तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज क्या है OP, तो OP का स्क्वायर. कैसे पता चली, देखिए यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, उस राइट एंगल ट्राइंगल जहाँ बनता है उसके ऑपोजिट वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूज आती है. तो OP स्क्वायर इक्वल्स टू PA स्क्वायर प्लस ओ ए स्क्वायर. तो ओ पी कितना था, ओ पी हमें निकालना है, किस लिए निकालना है, जिससे कि हम दूसरे ट्राइंगल की पी भी निकाल सकें. तो ओ पी निकालना है. पी ए कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर प्लस ओ ए हमें दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर. तो ओ पी स्क्वायर कितना आ गया, 10 का स्क्वायर इज 100 और 6 का स्क्वायर इज 36. तो ओ पी स्क्वायर कितना आ गया 136, राइट. अब ओ पी स्क्वायर ही ले लेते हैं, वाई, बिकॉज हमें दूसरे ट्राइंगल में भी ओ पी स्क्वायर ही करना होगा, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही हूँ, रूट में आएगी क्योंकि वैल्यू. अब हम ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं, इन ट्राइंगल ओ बी पी जो कि राइट एंगल्ड है बी पे, राइट एंगल्ड एट बी, राइट एंगल है बी पे। देखिए ये भी राइट एंगल है बी पे क्योंकि हमें पता है टेंजेंट क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है रेडियस पे एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये देखिए इसका ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। तो हमने किया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये आ गया ओ पी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर, देखिए ओ पी स्क्वायर यहाँ से ले लिया 136, इसको आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए। और ओ बी हमें पता है ओ बी कितना था 4 सेंटीमीटर, तो हमने 4 का होल स्क्वायर कर दिया प्लस पी बी हमें निकालना है। तो ये आया 136, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने ओ पी स्क्वायर की वैल्यू रख दी है। तो 4 4 16 प्लस पी बी स्क्वायर। तो पी बी स्क्वायर कितना आ गया 136 में से 16 माइनस हो गया, तो पी बी स्क्वायर आ गया हमारा 120। तो पी बी कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 120। तो कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 120, यहाँ पे निकाल रही हूँ 120। पेयर्स बनाए 1 1 1, 20 उतार लिया, 1 + 1 = 2, 0 गया। तो 20 ये कितना आ गया 20 में से 0 गया इस 20 और 20 में 0 ऐड हुआ 20। तो इसके आगे पॉइंट लगेगा और 2 zeros ऐड करिए क्योंकि 1 decimal प्लेस तक निकालना था, तो यहाँ पे भी पॉइंट लग गया। तो 2 zeros एज इट इज़ आ गई हैं नीचे। अगर आपको समझना है तो प्लीज़ क्लास 7 का स्क्वायर रूट मेथड, डिवीजन मेथड जरूर देखें। अब देखिए 20 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 2000 आ जाए। 9 9s करेंगे तो 9 9s 81, 9 2s 18, तो 10.9 आ गया है हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो इसका मतलब पी बी आ गई हमारी 10.9 सेंटीमीटर इज़ द आंसर।